हेलो दोस्त, रेलवे एलपी सीबीटी 3 के लिए साइको टेस्ट का सीबीटी 2 रिजल्ट कट ऑफ आ चुका है। रिजल्ट भी आ चुका है अपना स्कोर देखने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा उससे ऑब्जेक्शन है क्योंकि वो 22 बजे लिख रहा है लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा है। 5 तारीख को ओपन हो सकता है टाइम से हो। तो यहाँ बात करेंगे आरआरबी मुजफ्फरपुर, जो पहले से ही अनुमानतः लो कट ऑफ या ग्रीन जोन में था, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आरआरबी तिरुवनंतपुरम जो सीबीटी 1 में ही इसका कट ऑफ 65 गया था, तो यहाँ भी वेरी कट ऑफ आई रेड जोन जैसा था, बिल्कुल तिरुवनंतपुरम में वही कंडीशन हुआ है। यहाँ पोस्ट भी कम था और नंबर ऑफ कैंडिडेट भी बढ़ गए थे। तो चलिए ये दोनों आरआरबी के कट ऑफ देख लेते हैं। और साइको का डेट आप जानना चाहेंगे तो 16/4/19 को अभी तक दिखा रहा है, तो साइको के लिए बहुत कम टाइम है। तो चलिए यहाँ पर पहले कट ऑफ देखते हैं। तो कट ऑफ पहले देख लेते हैं हमारे पास मुजफ्फरपुर का। तो सबसे पहले ही आपने देखे होंगे तो ग्रीन जोन में ये था पहले से ही, और ग्रीन जोन में देखे तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बाद यूआर का कट ऑफ 40 गया है। तो समझ सकते हैं जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है पार्ट ए में उतना ही मार्क्स है। एसी के लिए देखेंगे तो एसी के लिए 32.11 है, एसटी के लिए 28.14 है, और ओबीसी के लिए 30 जस्ट जितनी रिक्वायरमेंट है बस उतना ही है। उसके बाद यूआर एक सर्विसमैन के लिए 42.95 है, एससी के लिए 51.54 है, और ओबीसी एक सर्विसमैन के अगर देखें तो यहाँ पे 44.29 है। तो ओबीसी एक सर्विसमैन का 44, नॉर्मल ओबीसी का 30, समझ सकते हैं 14 मार्क्स का डिफरेंस है। क्योंकि जितने भी एक सर्विसमैन की पोस्ट थी उसकी रिजर्वेशन क्या थी, हॉरिजॉन्टल थी, और यहाँ पे रिजर्वेशन क्या थी, वर्टिकल था, इसलिए ये अलग कंडीशन हो रहा है। उसी तरह एक सर्विसमैन एसी की देखेंगे तो मुजफ्फरपुर में एक सर्विसमैन एसी की कटअप 51 गई है, जो किसी भी यूआर वगैरह से एक सर्विसमैन की कटअप बहुत हाई चली गई है। तो समझ सकते हैं क्या होता है, कैसे कंडीशन होता है। यहाँ यूआर एक सर्विसमैन की कटअप भी आपकी यूआर नॉर्मल की कटअप से ज़्यादा गया है, ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट और रिजर्वेशन का कई बार नुकसान भी होता है। तो आगे चलते हैं अगले आरआरबी के लिए। तो हमारे पास अगला था तिरुवनंतपुरम, जो क्या था, रेड जोन में था, जिसमें पता ही है सीबीटी 1 में ही कटअप ज़्यादा था। तो यहाँ देख ले आप रेड जोन में, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद पार्ट ए का स्कोर क्या है, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 67.15, उसके बाद एसी के लिए 39.4, एसटी के लिए 25.02 वही है, लेकिन ओबीसी का भी कम नहीं है, 60 और 67 यूआर के टच दे रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ एक सर्विसमैन का देखिए यूआर का 40 हो गया, जो 67 से कितना कम है। तो यहाँ रिजर्वेशन का बेनिफिट है, या और एक सर्विसमैन ओबीसी का देखे तो यहाँ पे 60 था नॉर्मल का, तो यहाँ एक सर्विसमैन का 33.10 है। तो कई जगह नुकसान, कई बार जगह फायदा, जहाँ एक सर्विसमैन ज़्यादा अप्लाई कर लिए वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो ये था हमारा दो आरआरबी का यहाँ एनालिसिस, जो पहले से ही एक्सपेक्टेड था कि वेरी लो जाएगा मुजफ्फरपुर में और वेरी हाई जाएगा तिरुवनंतपुरम में। तो इसी तरह जितने भी होगा, तो अभी तक हमने किसका बता दिया आपको, इलाहाबाद का बता दिया, पटना का बता दिया, गुवाहाटी का बता दिया, कोलकाता का बता दिया आपको, उसके बाद अहमदाबाद का बता दिया है, उसके बाद आपका रिजल्ट अजमेर का आ गया था और अजमेर का हो गया, यानी 5, 6, 7, उसी तरह जितने भी आएंगे सारा आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।